Bismillahir Rahmanir Rahim. Equation reducible to quadratic form. इसका type number 5 है कि अगर कोई equation x plus a, x plus b, x plus c into x plus d is equal to k form में हो, तो इसको हम किस तरह हल करेंगे? तो इसको हल करने का तरीका यह है, exercise 1.2 में question number 13 है, x minus 3 into x plus 9 into x plus 5 into x plus minus 7 is equal to 385. तो इसको हम हल करेंगे, यानी सबसे पहले यहाँ पर जो constant term है, इसको आप लिख ले. Constant term यहाँ पर minus 3, 9, 5 और minus 7. यहाँ पर ये कांस्टेंट आते हैं, यानी हर फैक्टर में कांस्टेंट आते हैं, तो उस कांस्टेंट को आप लिख ले. अब इसके पेयर बना ले, यानी हम इन दोनों के ऐसे पेयर बनाएंगे जिसको हम ऐड कर ले तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए. तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 और माइनस 3 और सेकेंड 5 और माइनस 3 9 और माइनस 7, इसको अगर हम ऐड कर लें 5 माइनस 3 से हमारे पास 2 आता है, 9 माइनस 7 से 2 आता है, यानी इन दोनों से यह पर 5 माइनस 3 बराबर आ गया 9 माइनस 7. अब ये कांस्टेंट जिस टर्म में आए हो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 और माइनस 3 वाले टर्म को हम एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे और 9 माइनस 7 वाले टर्म को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x माइनस 3 x प्लस 5 प्लस अच्छा इनटू x प्लस 9 और x माइनस 7 विल बी इक्वल टू 385. अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 5 से 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x से माइनस 3x और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 से माइनस 15. यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय x है x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 से माइनस 7x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय x है 9x आ जाएगा और 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 से माइनस 63 will be equal to 385. यहाँ पर x square plus 5x अच्छा 5x minus 3x है, यहाँ पर 2x आता है, 2x minus 15 will be equal अच्छा into x square minus 7x plus 9x, यहाँ पर 2x आता है माइनस 63 विल बी इक्वल टू 385. अब यहाँ पर अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये दोनों टर्म सेम है, तो इसमें हम सपोजिशन करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. यहाँ पर हम y पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 15 into y minus 15 और यहाँ पर y minus 63 will be equal to 385. अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, y मल्टीप्लाई बाय y से y स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड y मल्टीप्लाई बाय माइनस 63 से माइनस 63 y आ जाएगा, सेकेंड माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय वाई से माइनस 15 वाई और माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 63 से यानी 63 और 15, तो यहाँ पर आ जाएगा सिफर 3 यहाँ पर 6 यहाँ पर 15 और 31, तो इससे हमारे पास 945, यानी 63 मल्टीप्लाई बाय 15 से यहाँ पर पॉजिटिव
945 आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 385 यहाँ पर आता है। अब सेकेंड वाई स्क्वायर माइनस 63 और माइनस 15, माइनस 63 और माइनस 15 यहाँ पर माइनस 5 और 6 यहाँ पर 8 यानी 78 वाई आता है, प्लस 945 माइनस इसको अगर हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर ले विल बी इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर माइनस 78 वाई प्लस 945 को अगर हम यानी माइनस 365 को अगर हम 945 से माइनस कर ले तो इससे हमारे पास 5 माइनस 5 0 आ जाएगा और 14 माइनस 8 6 और यहाँ पर 5 आ जाएगा यानी 560 विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पर 560 आता है। अब 560 के हमने वो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिसको अगर हम ऐड कर ले तो माइनस 78 आ जाए, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 70 या 70 मल्टीप्लाई बाय 8 इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 8 7 56 560 आता है, और अगर हम इस दोनों के साथ माइनस लगा ले तो माइनस 78 आता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y स्क्वायर माइनस 70y माइनस 8y प्लस 560 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं y को तो y माइनस 70 आ जाएगा, यहाँ से हम माइनस 8 को कॉमन लेते हैं तो y माइनस 8 7 56 यानी 70 आ जाएगा विल बी इक्वल टू 0। अब y की यहाँ पर दो वैल्यूज आ गए, y माइनस 70 इज इक्वल टू, अच्छा y माइनस 70 को हम कॉमन लेते हैं तो y माइनस 8 आ जाएगा विल बी इक्वल टू 0। अब y माइनस 70 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 70, y की एक वैल्यू 70 आ गई। सेकेंड y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू पॉजिटिव 8, तो y के दो वैल्यूज आ गए। सबसे पहले हम हल करते हैं फॉर y इज इक्वल टू 70 के लिए, y इज इक्वल टू 70 के लिए तो y की वैल्यू हमने सपोज की थी x स्क्वायर प्लस 2x विल बी इक्वल टू 70 आ जाएगा। अब इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम हल करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 70 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, x विल बी इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है और सी की वैल्यू 70 डिवाइडेड बाय 2 ए की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 माइनस 2 स्क्वायर से यहाँ पर 4 आता है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 70, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 से
28 यानी 280 आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2। तो इसका अगर हम मजीद सिंपलीफाई कर ले x विल बी इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस इसका अगर हम ऐड कर ले तो 284 आता है डिवाइडेड बाय 2। तो x की यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 284 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम मजीद भी सिंपलीफाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर यह आंसर भी ठीक है। सेकंड फॉर y इज इक्वल टू y की दूसरी वैल्यू आई थी 8। तो y हमने सपोज की थी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x विल बी इक्वल माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0 अगर हम इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर ले। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर ले यानी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 से तो माइनस 8 आता है। माइनस 8 के वो फैक्टर जिसको हम ऐड कर ले तो पॉजिटिव 2 आ जाए तो वो है एक्स स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम x इससे कॉमन लेते हैं तो x अगर हम कॉमन ले ले तो x प्लस 4 आता है। यहाँ से माइनस 2 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे हम x प्लस 4 को हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 आ जाएगा विल बी इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू पॉजिटिव अच्छा माइनस 4। सेकेंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। तो यहाँ पर x की चार वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। पहले वैल्यू थी सॉल्यूशन सेट में माइनस 2 प्लस माइनस 284 डिवाइडेड बाय 2 और सेकंड जो दो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली एक की एक वैल्यू थी माइनस 4 और दूसरी थी 2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। शुक्रिया।